श्री गुरु चरण सरोज रट, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु, बुद्धिहीन तनु जानके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, कलंदर होए दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हो दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। कोई सागर दिल को बहला, दोस्तों आज मैं पुनः उपस्थित हूं आप सबके बीच में हमारे कार्यक्रम द सक्सेस स्टोरीज, जिसको प्रेजेंट किया है एस म्यूजिक मेकर ने, सपोर्ट किया दिल्ली पैनोरमा क्लब ने। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी खास शख्सियत है एक ऐसा व्यक्तित्व जो दिल्ली की विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जो पेशे से एक सीए हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसे हमारे भ्राता
श्री संदीप गोयल जी जो पेशे से सीए हैं, और बात चाहे ब्लड डोनेशन की हो, बात चाहे सेमिनार करने की हो, बात चाहे ओल्ड एज के लोगों को जानकारी देने की हो, उनका ध्यान रखने की हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई विषय हो, रियल एस्टेट का कंसल्टेंसी हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, इतने तमाम चीजों से जुड़े हुए हमारे भ्राता श्री संदीप गोयल जी आज हमारे बीच में हैं, और हम इस शख्सियत के साथ रूबरू हैं उनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए। उनका सफलता का मूल मंत्र क्या है, उनको जीवन में कहां से प्रेरणा मिली, उन्होंने जीवन को जीने के लिए जो रास्ता बनाया वो कैसे बनाया, इन तमाम बातों के बारे में आज हम उनसे ही उनके ही मुखारविंद से सुनेंगे, बहुत सारी बातें उनके अनुभव को साझा करेंगे। तो मैं आप सबके इस्तकबाल के बीच में, आप सबके अभिवादन के बीच में उनको आमंत्रित कर रहा हूं, जिनका नाम है श्री संदीप गोयल जी। श्री संदीप गोयल जी आइए। सब ठीक है? आपकी एक्टिविटीज तो बहुत चल रही हैं आजकल, देखता रहता हूं मैं इस कोरोना काल में और लॉकडाउन में जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो संदीप जी। आप तो वैसे ही हमारे साथ ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन में हमारे नई दिल्ली के प्रेजिडेंट हैं, और आपकी वर्किंग तो हमने देखी है, और अब जो इस काल में आपने किया है वो तो लाजवाब है, हर किसी को एंगेज करने के लिए जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है। पवन जी, सबसे पहले तो मैं एस म्यूजिक मेकर का और सुशील जी का और आपका दिली वैश पैनोरमा की तरफ से आप सबका उन सबको मतलब बधाई भी देना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले जो सुशील जी ने एक झांकी मेरी फोटोग्राफ की दिखाई, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एस म्यूजिक मेकर जिस तरीके से यंग टैलेंटेड सिंगिंग टैलेंट को उभार करके आगे मंच प्रोवाइड कर रहा है उनको, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। पवन जी, आपके साथ बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि आपने अभी बताया ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन, दिल्ली वेस्ट पैनोरमा, तो इन संस्थाओं में सब में साथ में काम करते करते और आप जैसे बड़े भाइयों का प्यार और सहयोग के चलते चलते जो भी अपने मन में जो भी आपने आपने काम बताए अभी कोरोना काल के अंदर, अब क्या कि मतलब क्या है कि हर एक चीज में एक मतलब ये कोशिश होनी चाहिए है, अगर एडवर्सिटी भी कोई सिचुएशन हो जाए तो उसमें से भी पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी को देखते हुए क्या अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। तो बस उसी को सोचते हुए कभी ध्यान आया, फिर मन में बैठे विचार जब मतलब अपने मन में बैठे बैठे विचार आ रहा था, जब कोरोना जनता कर्फ्यू आया, उसके बाद जब रेगुलर लॉकडाउन हुआ, तो मन में ऐसे विचार आया कि कोई ना कोई हम लोग क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, जो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो या किसी भी माध्यम से हम लोगों को कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से मिलजुल सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। और जो भी हम लोग इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उसके अपने घर में रह करके भी या थोड़ा बहुत अगर बाहर निकलना भी है विभिन्न सावधानियों को रखते हुए भी हम क्या काम कर सकते हैं, और जो समाज को सहयोग दे सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं उस काम के लिए अपना अपनी शक्ति अनुसार उसको कार्य को करने में संलग्न है। नहीं, बहुत अच्छा, इस टाइम का बड़ा सदुपयोग किया है आपने। इस दौरान जो आपने कार्य किए हैं वो जरूर बताएं एस म्यूजिक टीवी के दर्शकों को और सब लोगों को, कि ताकि लोग बाकी लोग भी समझ सके कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ देखो, कार्यों का स्वरूप जैसे जैसे कोरोना में लॉकडाउन का आगे बढ़ता गया, प्रायोरिटी वाइज उसका स्वरूप धीरे धीरे चेंज भी होता गया।
जैसे शुरू में जब लॉकडाउन की सिचुएशन हुई मार्च के अंदर, 25 मार्च से जब हुई इसके अंदर, तो दो तीन दिनों में ही ये एनालाइज हुआ कि भाई लोगों को खाने पीने की सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, सभी लोगों को खाने पीने की सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो इंडियन रेड क्रॉस एसोसिएशन की, इंडियन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर की सिस्टर कंसर्न है सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, जो कि उसका ब्रिगेड विंग है और फर्स्ट एड ट्रेनिंग का विंग है उसका। तो उससे मेरी काफी वर्षों से एसोसिएशन है, मेरे फादर भी, मेरे ग्रैंडफादर भी उससे एसोसिएटेड रहे हैं अपने जब दादाजी अपने जीवन काल के अंदर। और अभी जैसे आगे बढ़ेगा, सुशील जी को पूछेंगे तो जैसे ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, बाकी और डिटेल में फिर बताऊंगा मैं जैसे ऐसे होता है। देखिए संदीप जी, मैं आपके बारे में बताऊं, हमारे जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं हमारे, तो उन सबको, दिनेश गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, और आपके लिए उन्होंने एक वो भेजा है कॉम्प्लीमेंट, एक ऐसे व्यक्ति हैं संदीप गोयल जी जो बहुत ही काइंड हार्टेड मैन है। और मैं आपको बताऊं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने देखी कि आपको कभी भी अभिमान ने छुआ भी नहीं। आप जीवन में कितनी ही ऊंचाइयों पर, आपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, और उनके बावजूद आपने जीवन में कभी भी अभिमान को अपने पास भी नहीं फटने दिया। ये अपने आप में मैं समझता हूँ आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत जो मैंने महसूस की है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल लूंगा, हाँ सबसे पहले मैं सवाल लूंगा आपसे, इन्वेस्टर गाइड, इन्वेस्टर जो क्लब है आपने बनाया हुआ है, ये अपने आप में एक अनूठा क्लब है, जहां पर आप जो लोग जिनके पास ईश्वर की कृपा है, अकूत धन माया है, वो कैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपनी आय को मैक्सिमाइज करें, अपनी आय को ज्यादातर बढ़ाएं, इस दिशा में जो आपने काम किया है इन्वेस्टर क्लब के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोगों को, इन्वेस्टर्स को एक जगह इकट्ठा किया है, उनको समय समय पर वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से गाइडेंस दी है, उनको बताया कि आप अपने पैसे को कैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां उसका मैक्सिमम रिटर्न भी आए और सेफ्टी वाला जो एलिमेंट है वो भी बना रहे। आप एक सीए भी हैं, तो उस नाते से आपका इस विषय में काम करना भी, क्योंकि आप उसमें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं, आपका हर वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए, और खासकर ऐसे लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आप इस बारे में बताइए कि आपकी इन्वेस्टर क्लब की गतिविधियां कैसी हैं, आप उनसे किस हद तक संतुष्ट हैं, उसमें कैसे लोग जुड़े हुए हैं, कितनी संख्या है, ऐसी बातों से हमें साझा करिए हमारे साथ अपना अनुभव। जरूर सुशील जी। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इन्वेस्टर क्लब की स्थापना 1993 में हुई थी, और हमारे आदरणीय सुभाष लखोटिया जी और उनके फादर आर एन लखोटिया जी, सुभाष लखोटिया जी जो कि टैक्स गुरु के नाम से सीएनबीसी आवाज चैनल पर उनका प्रोग्राम भी आया करता था, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1993 में। फॉर्चुनेटली उनके साथ में मेरे अच्छे फैमिली रिलेशन हमेशा रहे हैं, और उससे 1993 से भी पहले, 5-7 साल से पहले से मैं जानता था उनको। जब इन्वेस्टर्स क्लब की फॉर्मेशन उन्होंने करी, तो उस टाइम फॉर्चुनेटली आल्सो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट 30-40 मेंबर्स, जिसमें जिस टाइम इन्वेस्टर क्लब की स्थापना करी, इन्वेस्टर क्लब का, जैसे जनरली लोग बाग ये समझते हैं कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में ही होती है, इसका मोटो कुछ डिफरेंट भी है, वो भी है। इसका मोटो है इन्वेस्टमेंट इन, हाँ, इन्वेस्टर्स क्लब का मोटो है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल एसेट्स। तो हमारा तो जनरली लोगों को नाम सुनकर के लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि इन्वेस्टर्स क्लब का मतलब है, तो इसका मतलब इसमें हर समय पैसे की लेने देने की, खरीदने की, बेचने की, इस तरह की बातें होती होंगी। तो ये इसको क्लैरिफाई आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब लोगों को, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स क्लब का माध्यम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू एजुकेट पीपल टू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ, हैप्पीनेस अलोंग विद फाइनेंशियल एसेट्स। इसको थ्री फोल्ड तो उसमें हम लोग हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट सेमिनार्स करते हैं, जिसमें हेल्थ का, उसमें मेडिकल डॉक्टर्स की हो, आयुर्वेदिक अलग अलग डॉक्टर्स की हो,
हैप्पीनेस के लिए हम लोग आपस मिलजुल करके कुछ कार्यक्रम भी करते हैं, कभी घूमने फिरने के प्रोग्राम भी बनाते हैं, बट ऑब्वियसली हमारा प्राइमरी फोकस ये भी हो, हाँ हमारा प्राइमरीली फोकस उसका फाइनेंशियल एसेट्स का जो है वो भी हम ध्यान में रखते हुए डिफरेंट इन्वेस्टर्स को एजुकेशन की जो हमारी सेमिनार्स होती हैं उसमें सेमिनार्स करते हुए हम लोग उन लोगों को एजुकेट करते हैं। कई बार क्या होता है इसमें आज की डेट में करीब 1000 के करीब मेंबर्स हैं हमारी इन्वेस्टर्स ग्रुप की, और इन्वेस्टर्स ग्रुप के डिफरेंट हाँ ऑफिस बिल्डर्स की कैपेसिटी में रहते हुए सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी या आईस में वाइस प्रेसिडेंट के उसमें रहते हुए हम लोग इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते समय कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें कि एक आदमी के लिए क्षमता से बाहर होती है, तो हम लोग मिलजुल करके उसको एनालाइज करते हैं, उसको मिलजुल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हम लोग मिलजुल करके आपस में एक ग्रुप बना करके उसमें करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ये उसका मेनली ध्येय है इन्वेस्टर्स का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं तो मतलब बहुत ही सीमित दायरे में इन्वेस्टर क्लब को बांध रहा था, आपने तो उसका एक बहुत ही विस्तृत ब्यौरा दिया कि किस तरह से इन्वेस्टर क्लब इज इन्वेस्टमेंट इन हैप्पीनेस एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। तो एक तरह से जीवन के जो विभिन्न रंग हैं, जो इंद्रधनुषी रंग हैं तीन मुख्य तौर पर, जिनमें आपने कहा कि आदमी का हेल्थ है, हैप्पीनेस है, और साथ ही साथ उसका पैसा है जो कि हैप्पीनेस और हेल्थ के लिए ही आवश्यक भी है। तो बहुत ही आपका निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है, इस तरह का कार्य आप निरंतर करते रहिएगा और लोगों को बताते भी रहिएगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हमें इसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे ढंग से इस पर प्रकाश डाला। आप बचपन से ही, ऐसी बात नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको काफी पुराना मेरा आपका परिचय है, आप बहुत मेधावी रहे हैं, सीए की परीक्षा भी आपने कम आयु में उत्तीर्ण कर ली थी, शुरुआती दौर में आपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस की, उसके बाद आप शेयर मार्केट में भी काफी समय तक रहे, एज ए इन्वेस्टर भी रहे, एज ए ब्रोकर भी आपने काम किया, और सदा आप चर्चा में बने रहते थे, रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी आप एक बड़े निवेशक बने, और सदैव संदीप गोयल जी का नाम एक इस तरह के व्यक्तित्व के रूप में समाज में जाना गया जो सीए होने के साथ साथ विभिन्न जो क्षेत्रों में जिसने पदार्पण किया, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का परचम लहराया, और आज भी विभिन्न स्थानों पर सीए संदीप गोयल जी को उनके अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छी उपलब्धियों के कारण समाज में जाना जाता है। तो आप क्या अनुभव करते हैं कि जब भी ये यादें ताजा होती है तो आपको कौन कौन सा समय मुख्य तौर पर याद आता है, जब आप शेयर्स में गए, फिर आप रियल एस्टेट में गए, या जो प्रैक्टिस के दिन थे आपके, जब आप प्रैक्टिस में शुरू में थे और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते थे और ऑडिट की प्रैक्टिस करते थे, कौन से दिन आपको सबसे ज्यादा, मैं आपको जरा अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं, ताकि अन्य लोग भी आपको फ्लैशबैक जा सके। हां सुशील जी, मैं बताऊं आपको, मैं जब आप मुझे को पुरानी मेमोरीज में आप लेकर के चले गए हो, तो मैं आपको अपनी लाइफ की शुरुआत थोड़ा सा मैं अपनी 11th क्लास से बताना चाहूंगा। 11th क्लास में जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉमर्स ली, उस टाइम मुझे मेरे किसी एक दो साल सीनियर मेरे मित्र ने मुझे बताया कि संदीप, अगर तूने कॉमर्स लिया है तो इसमें सीए कर लियो, सबसे बढ़िया होता है। मुझे नहीं पता था उस टाइम 11th क्लास में कि सीए क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, बस पता नहीं समा हो उसके वो वाक्य, मतलब आज भी मैं अगर सोचता हूँ तो मेरे कानों में वो याद रहता है कि उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। कई बार ऐसा होता है कि कोई मन में बैठ जाता है कोई वाक्य, तो पता नहीं समाओ 11th क्लास में ही ये दिमाग में आ गया था कि मुझे सीए ही बनना है और सीए ही करनी है। सौभाग्यवश जैसा कि आपने बताया कि मेरा 22-22.5 साल की उम्र में, क्योंकि उस टाइम ग्रेजुएशन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन भी हम लोग सीए कर सकते थे, सीए का एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था उसके तो, और आप भी खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मुझे ये मेरे को बताते हुए भी बड़ा हर्ष है कि हम दोनों का सीए लगभग क्या एक ही दिन एक ही समय पे एक ही एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हुआ था और हम दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं। तो 22-22.5 साल की उम्र में जैसे सीए क्वालिफाई हो गया, उसमें
अब घर में बातचीत के मध्यम परिवार से हमारा मेरा जन्म हुआ है। फादर इंडियन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पवन जी को बता रहा था, इंडियन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर में जॉइंट सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ही रिटायर्ड फ्रॉम दैट पोजीशन इन इंडियन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर। तो सीए क्वालिफाई होने के बाद मैंने पापा से मेरा एक ही क्वेश्चन पूछा कि पापा मुझे ये बताओ कि मैं मतलब आगे क्या क्या करना है। तो पापा ने बस मुझे एक ही बात बोली, बेटा तुम्हारे ऊपर कोई ये कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें कमा करके घर में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। यू हैव यू टेक योर मतलब डिसीजन, जैसा भी आप लेना चाहते हो आप लीजिएगा इसके अंदर। तो बस मन में यही आया कि प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस ही करनी है। हो सकता है कि साल दो साल में ना कमा पाऊं या घर में ना दे पाऊं, लेकिन पापा की तरफ से इतनी फ्रीडम मिली मुझे कि मैं अपनी लाइफ को डिसीजन मैं अपने आप लूं और अपने आप उन डिसीजन को लेकर के मैं आगे बढ़ूं। तो समाओ प्रैक्टिस करी। अब कहते हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से खट्टे हर एक स्टेज के, चाहे वो सीए की प्रैक्टिस करी, चाहे बाद में 94 में एनएसए की मेंबरशिप ली, और या फिर आगे आगे धीरे धीरे आगे आगे 2003 या 2004 के आसपास धीरे धीरे रियल एस्टेट की तरफ डाइवर्जन हुआ और 7-8 में आकर के फुल फ्लैच रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करी और उसका ध्यान उसकी तरफ भी गया। अब सीए की पढ़ाई करते करते थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने की एक जो क्षमता थोड़ा सा आ जाती है फाइनेंस सेक्टर को समझने की, तो शेयर ब्रोकरशिप और रियल एस्टेट भी वो साइड बाय साइड थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहा करती थी, और वो इन्वेस्टमेंट करते करते धीरे धीरे वो प्रोफेशन भी बन गया, वो मेन प्रोफेशन बन गया, और फिर दोनों प्रोफेशन साथ साथ चलते रहे। तो खट्टे मीठे अनुभव सभी तरीके के होते हैं। मैं तो बस एक ही बात फिर भी कहूँगा, अपॉर्चुनिटी सभी की जिंदगी में मेरे ख्याल से सारे अनुभव होते होंगे और उन्हें अपॉर्चुनिटी भी आती है। अब बस कर्म करते रहो और फल की इच्छा की मेरा बस कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। साथ में ये कहना चाहूंगा, हाँ, बुलंदियां तुम्हें खुद ही तलाश कर लेंगी, बुलंदियां तुम्हें खुद ही तलाश कर लेंगी, मौका ना छोड़िए, जिंदगी में काम करते रहिए। तो बस काम करते रहिए, काम करते रहिए, जिंदगी के मौके मिलेंगे आपको, मौके मिलेंगे अपने आप पहचान करके आप आगे बढ़ते रहोगे, बस काम करते रहिए। वाह जी वाह, वाह जी, सही नीयत से सही भावना से काम करते रहिए। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। और मैं भी आपको एक शेर समर्पित करना चाहूंगा। मैंने देखा कि आपने जिंदगी में बहुत हौसले के साथ काम किया है, मैं इस मामले में आपका बहुत ही मुरीद हूँ, प्रशंसक हूँ। और आपको एक शेर समर्पित करना चाहूंगा कि पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर आ तुझको हम गुजारेंगे। और आपने इस भाव से जिंदगी को गुजारा, कभी भी जिंदगी में जिंदा दिली का दामन नहीं छोड़ा, परिस्थितियां कितनी ही सम हो विषम हो, आपने कभी जीवन में किसी भी बात से कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, और निरंतर आगे बढ़ते रहे चरेवती चरेवती के सिद्धांत के लिए, और निरंतर ईश्वर ने भी आपका हाथ पकड़े रखा और आज आप एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं निश्चित तौर पर समाज में। आपके जीवन में जैसे मैंने आपको बताया कि एक असफलता के दौर भी आए, परंतु कर्म योगी विभाति आप चलते रहे। आपने जीवन में जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश, ये अपने जीवन में इस तरह के सारे अनुभव लिए। आप इन सारे अनुभवों में कहीं ना कहीं बहुत कई बार बहुत ज्यादा उत्तेज आशावादी हो गए होंगे, कई बार बहुत सारे निराशा के दौरों से गुजरे होंगे, तो ये सफर आपका कैसा रहा? आपको मतलब इस सारे खट्टे मीठे अनुभव को आप किस तरह से इसको अनुभव को शेयर करना चाहेंगे हमारे सारे मित्रों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ और जितने भी ऐसे म्यूजिक मेकर के लिसनर्स हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रेरणा लेकर जीवन जीने की शैली सीखना चाहते हैं, जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने स्वयं जीवन जिया हो। तो इस नाते से आपका ये जो अनुभव है हमारे जो आप साझा करेंगे कि इसको आपने कैसे लिया, क्योंकि लाभ हानि भी जीवन का एक नियम है और आशावादिता और निराशावादिता के दौर भी जीवन में आते हैं, तो आपने सारे देखे परंतु कभी आपने हिम्मत नहीं हारी, मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूं। और इसी नाते से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस बात को अब जीवन में कैसे लेते हैं, आज इस मुकाम पर आकर आपको क्या लगता है कि आप बस जिए तो शान से जिए, यही जीवन की सार्थकता है? देखो, हाँ सुशील जी,
इसमें इस विषय पे, जैसे मैंने अभी आपके पिछले अभी आपका जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा था या जो आपने बात करी थी, मैंने बताया कि कर्म करना सबसे मतलब कर्म योगी को इंसान को होना चाहिए, और कर्म योगी होते हुए उसको काम को आगे करते रहना चाहिए। तो जिंदगी में ये सबसे मूल मंत्र है। आपने कहा कि आशावादी निराशावादी आदमी कितना भी आशावादी क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं, कभी कभी वो निराशा का उसको सामना भी करना पड़ता है। मैं अगर ये कहूं कि हाँ करना मतलब उस ऐसे मौके जिंदगी में जरूर आते हैं, और शायद मेरे ख्याल से किसी की जिंदगी में निराशावादी के टाइम का ऐसा कोई समय आता है, तभी उसको उसको महसूस होता है कि अब आशावादी होने से उसको मतलब उसी से वो निखर, जैसे सोने को जब तक आग में तपाया नहीं जाता तब तक वो कुंदन नहीं बनता, तो उसी तरीके से जब तक वो सोना सोना नहीं बन निखर करके नहीं आता, उसी तरीके से जब तक तकलीफें ना आए जिंदगी के अंदर, तब तक उसको जो जो अच्छी सहूलियतें उसको लाइफ में मिल रही होती हैं उसकी वैल्यू भी नहीं होती मिली है। हाँ, मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, आपके जीवन में एक या दो, बहुत ज्यादा संख्या की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मित्र होना बहुत जरूरी है। है। एक या दो दिन मतलब हर एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसे मित्रों की संख्या किसी से भी पूछेंगे आप, वो कहेंगे कि मेरे तो 100 मित्र हैं, 500 मित्र हैं, 1000 मित्र हैं या 10 मित्र हैं, लेकिन ऐसे मित्रों के अलावा वो सब भी मित्र हैं, लेकिन एक या दो ऐसे मित्र होने चाहिए जो जिनसे कि आप कोई भी बात, कैसी भी बात आपको मन शेयर में पहले से ही पता होना चाहिए, शेयर कर सको आप। और इसमें सबसे पहली मित्र जो मैं मानता हूं आपकी अपनी अपना या अपनी स्पाउस होती है इसके अंदर। आपकी तो स्पाउस। अपने अच्छा हाँ, अपने अपने या अपनी स्पाउस को भी मित्र की तरह आप उसको बातचीत कीजिएगा। और गीता का ज्ञान है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म किए जाओ। मैं तो हर बात का एक ही बात है कि कर्म किए जाओ, अच्छी नीयत से अच्छी भावना से कर्म करते रहोगे तो निराशावादी के टाइम के अंदर भी थोड़ा धैर्य रखते हुए अपने मित्र जो भी आपका एक या दो मित्र जिसको भी आप समझते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हो, उनसे डिस्कस करके आगे बढ़ते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा कि जीवन में जो हमारी अर्धांगिनी है, अगर हम उसको ही, जिसके साथ हम बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं, अगर हम उसको एक मित्र की भावना से लें, उसको एक मित्र समझें, तो जीवन में हमारे पास शेयरिंग करने के लिए हमारा घर ही पर्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि जीवन में हमने फाइनेंशियली क्या अचीव किया, हम समाज में कितने जाने जाते हैं, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आपने जो किया वो पूरी शान से किया, अच्छे से किया, अपना सब कुछ 100% देकर किया, जिसे कर्म की कुशलता कहते हैं। कर्म की कुशलता इसी में है कि आप परिणाम की चिंता ना करें, सिर्फ कर्म करने में यकीन रखें। और कृष्ण ने भी यही बात अर्जुन को समझाई थी कि तू चाहे, अगर तू जीवित रहता है तो तू धरती का राजा बनेगा, और अगर तू चला जाता है तो तू स्वर्ग का राजा बनेगा। तो हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म जरूर करते रहें जिससे कि हमारा क्रेडिट, हमारा जो जीवन में क्रेडिट अकाउंट है, वो निरंतर बढ़ता रहे। और ऐसा ही आपने किया, और उसी कड़ी में आपने एक बहुत शानदार जो काम किया, जिसकी मैं निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात मानता हूँ, क्योंकि बहुत कम संस्थाएं हैं जो हमारे ओल्ड एज जो पर्सन हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी उनके मार्गदर्शन के लिए, उनका जीवन कैसे खूबसूरत बने, उनके जीवन में, उनके स्वास्थ्य में कैसे एक स्थायित्व बना रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, कैसे उनके जीवन में थोड़ी सी खुशियां बनी रहें, ऐसी तमाम कोशिशें जो आप एज केयर इंडिया, जो आपने एक संस्था बनाई है जिसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, और रेगुलर बेसिस पर सीनियर सिटीजन्स के लिए डॉक्टर्स को बुलाना, ऐसे साइकोलॉजिस्ट को बुलाना, साइकेट्रिस्ट को बुलाना, ऐसे लोगों को बुलाना जो उनको गाइड कर सकें, उनकी बातें सुन सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको इस कार्य करने में, मैं समझता हूँ, शायद बहुत आनंद प्राप्त होता होगा आपको, बहुत एक संतुष्टि का भाव आपके भीतर उपजता होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? सुशील जी, ये जो आपने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बताया, तो
ये बताओ, ये इसका 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 मेरे ना हृदय से बड़ा जुड़ाव है, इस मतलब हृदय से, भावना से जुड़ाव है इस वाले इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। मेरे मन में बहुत सालों से हालांकि एज केयर इंडिया में भी 15 साल से करीब डिफरेंट पदों के ऊपर मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, और इसमें जैसे वरिष्ठ व्यक्तियों का मानसिक तौर पे या आप कहेंगे कि शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, और इमोशनली भी कई सारे इश्यूज होते हैं। तो अब जैसे आप, हाँ जज्बाती, अब जैसे लॉकडाउन की पोजीशन चल रही है सुशील जी, हाँ, अब उस लॉकडाउन की पोजीशन के अंदर हम लोग किसी को फिजिकली नहीं मिल सकते या जो भी है, हमारी एज केयर इंडिया के अंदर भी करीब 1000 के करीब मेंबर्स हैं इसके अंदर, उसमें से एज एक अगर हम उसमें मैं उसमें हमने मैंने जब लॉकडाउन की पोजीशन आई मैंने एनालाइज किया कि 1000 के मेंबर्स में से करीब 50% या 60% हमारे वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो कि 65 या 70+ हैं सारे के सारे। तो मैंने उस टाइम ये सोचा कि हम लॉकडाउन के अंदर हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं साइकोलॉजिकली या मेंटली, या किस तरह से हम उनके साथ में उनकी कुछ सहयोग कर सकते हैं कि जिससे कि ये लॉकडाउन की पोजीशन में भी उनको कुछ सांत्वना मिले, हालांकि उनके परिवारजन वगैरह सब उनके साथ में जरूर होंगे। तो हम लोगों ने आपस में एक ये थोड़ा सा ये दिमाग में आया कि हम लोग क्यों ना सबको पर्सनली टेलीफोनिकली सबको कॉन्टेक्ट करते हैं और सबसे बातचीत करते हैं। अब बिलीव नहीं करोगे, हमने मान लो जितने भी सीनियर 65+ थे सबको हमने टेलीफोनिकली बात करी, उसके बाद बाकी और मेंबर्स को भी बात करी हमने, लेकिन खास तौर पे वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए 500 के 500 मेंबर्स को हम लोगों ने बात करी। और सबसे बात करने के बाद यू विल बी सरप्राइज कि सबको इतनी खुशी हुई, और उनकी खुशी देख करके जो खुशी और शांति अपने मन को महसूस हुई वो बड़ा, उसका कोई मैं बयान करना, शब्दों में बयान करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो यही कह सकता हूँ, किसी ने ये कहा, एक कई बार क्या होता है कि एक वरिष्ठ व्यक्ति है पटपड़गंज में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि संदीप जी मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है कोई भी, लेकिन मुझे मेरे घर, वो चांस की बात है, वो ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट होकर के दिल्ली आए थे और लॉकडाउन में यहाँ पे फंस गए, 1-2 महीने बाद उन्हें वापस ऑस्ट्रेलिया जाना था। कहते कि मैं किसी को जानता नहीं यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं इंडिया आया था, और चांस की बात है हमारी एज केयर के मेंबर भी हैं, वो जब भी कभी चांस की बात है मेरी पर्सनली उनसे फोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे घर में राशन जो था मेरे पास लेके आया था लॉकडाउन से पहले वो भी खत्म होने पे है, लगभग खत्म ही हो गया है, अब मुझे नहीं पता कि मैं राशन कहाँ से लेकर के आऊँ, होम डिलीवरी का मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। तो बिलीव करोगे कि मैंने उसी टाइम पटपड़गंज में हमारे कोई जाने वाले रहते थे, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने उनके सोसाइटी के आसपास के किसी किराने वाले को फोन किया, उन्होंने उनके फ्लैट में जाके उनको वो राशन डिलीवर कराया। मैं मतलब ये छोटी सी बात हो सकती है किसी के लिए भी एक सुनने के अंदर, और लेकिन जब किसी की प्रैक्टिकली ऐसे ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम थी लोगों की है, तो अगर मैं 500 लोगों से बात करी, मेरा विश्वास है कि अगर उसमें से 30-40 लोगों के लिए भी किसी कार्य में उनको सहयोग दिया और सहयोग देकर के उनको कार्य किया, तो वो जो खुशी मिलती है वो कार्य कर करके उसका बयान नहीं किया जा सकता। क्या बात, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि आप एक तरह से आपने हमारे सारे दर्शकों को और जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया है कि प्यार के दो मीठे बोल जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए एक सदा के लिए एक प्रेरणा का सबब बन सकते हैं, उसके जीवन में कितनी खुशियां ला सकते हैं। हम किसी से दो मीठे बोल, खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अगर उनके साथ सिर्फ बातचीत करना ही अपने आप में उनके लिए बहुत ही खुशी का विषय है, उनको इसी में इतना आनंद आता है कि हमारे को हमारे युवा साथियों ने, हमारे बच्चों ने हमारा हालचाल पूछा, हमसे हमारी मिजाज पुरसी की। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम सब युवा लोग, खासकर हम तो फिर भी थोड़े से अधेड़ हो गए हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हम बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो मुख्य तौर पर उनको सिर्फ प्यार करें,
थोड़ा सा प्यार करें, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनका दिल भी बच्चों जैसा होता है, तो उनको बच्चों की तरह से समझकर उनको उसी तरह से लाड दिखाएं, उनको कुछ ना कुछ स्वीट्स ऑफर करें, उनको अपनी तरफ से हग करें, उनको प्यार करें, और इस तरह से हम उनके साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन आवर रिलेशनशिप विद आवर सीनियर सिटीजन्स, विद आवर पेरेंट्स, विद आवर गार्जियंस इन ए एब्सोल्यूटली न्यू मैनर। मैं समझता हूं ये आप अपने आप में और हमारा वन ऑफ द एज जी बताएं बताएं हाँ सुशील, मैं एज केयर इंडिया का हमारा मोटो भी है एजिंग ग्रो एज ग्रो ग्रेसफुली, तो उसमें मैं ये कहना हम लोग इसको भी हम लोग एक इस माध्यम से कहना चाहूंगा, उम्र का बढ़ना तो दसूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दसूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहां है। तो जैसा अभी आपने बोला कि मैं अधेड़ हो गया हूं, तो इसकी तो मतलब एज को काउंट करने के लिए मैं तो कहता हूं कि जिंदगी में यू काउंट योर एज बाय योर नंबर ऑफ स्माइल्स, नॉट द बाय द नंबर ऑफ इयर्स। जी 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 नहीं, मैं तो अपनी मूंछ और बाल दोनों काले कर लेता हूं, आप भी कर लेते होंगे, और ऐसा करके हम समझते हैं कि हम ऐसा करके हम अपनी आयु को अक्सर धोखा देते रहते हैं, और ये धोखा बना ही रहे तो अच्छा है। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही बुजुर्गों के लिए कि बड़ी ग्रेसफुली जीने का जो तरीका है वो ये है कि आयु को अनुभव ना करें, आयु अनुभव करते हैं तो होती है। इस मामले में हमारे देश में ही फिल्म इंडस्ट्री की एक मिसाल है देवानंद जी, जिन्होंने जीवन में कभी अपने आयु को किसी को ना खुद अनुभव की और ना किसी दूसरे को अनुभव की, क्योंकि एक शायर ने कहा है कि सफर करते हुए मंजिल ब मंजिल जा रहे हैं हम, सफर करते हुए मंजिल ब मंजिल जा रहे हैं हम, मुझे तो ये जिंदगी एक कारवा मालूम होती है। तो जिंदगी अपने आप में कारवा है, कई बार हम बीच में थोड़ी देर के लिए एक पड़ाव ले लेते हैं, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम जवानी में आ जाते हैं, फिर हमारी शादी हो जाती है, फिर बच्चों की शादी होती है, और ऐसे करते हुए हम एक दिन उस दहलीज पर भी पहुंचते हैं जिसको लोग वरिष्ठ नागरिक कहना शुरू कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूं इसके लिए भी हमें कोई अन्य शब्द इजाद कर देना चाहिए जिससे कि उनको वरिष्ठता का आयु का अनुभव ही ना हो। ऐसा कुछ प्रयास आप भी करें और मैं भी करता हूं। जी एक्सपीरियंस सिटीजन अनुभवी नागरिक, आपके कहते कहते दिमाग में विचार एकदम जो वर्ड इमीडिएटली स्ट्राइक करा मैंने वो बोल दिया। चलिए आगे से आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का। आपने एक जो काम आजीवन किया जिसकी प्रेरणा आपको आपके आपके घर के बड़ों से मिली, आपके दादाजी से मिली, पिताजी से मिली, आपने सारा जीवन देखा है कि कैसे ब्लड डोनेशन, आज ब्लड डोनेशन के बारे में पहले के मुकाबले बहुत अधिक जागरूकता है रक्तदान के प्रति, लोग समझ भी गए हैं कि रक्तदान से कोई नुकसान नहीं है, रादर कुछ ना कुछ फायदा ही है। परंतु एक जमाना था जब आपके दादाजी ने रक्तदान की शुरुआत की, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की स्थापना की, फिर आपके पिताजी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया, उस महान परंपरा को, उसी परंपरा के निर्वाह में आप भी अभी तक चल रहे हैं और आज असिस्टेंट कमिश्नर की भूमिका में अनेकों ब्लड डोनेशन कैंप कर चुके हैं, और देश के हमारे जो सिपाहियों को, देश में जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, सीरियसली इल हो जाते हैं, उन लोगों के लिए जो रक्त आप मुहैया कराने की जो मुहिम आपने चला रखी है, जिसको आपने कोरोना काल में भी जारी रखा, अपने आप में बहुत ही एक मिसाल के तौर पर मैं इसको लूंगा, और आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो रक्तदान सेवा है आप इसको मतलब अपने जीवन में कितना महत्व दिया आपने, आप इसको जीवन में कितना समय आपने इसका व्यतीत किया, तो आपको सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ सारी कार्य आपने ऐसे कॉन्क्रीट कार्य किए हैं जो समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप जैसे बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि बैठकर रोज पूजा पाठ करते हैं, आपने जीवन में पूजा पाठ की जगह सेवा को अपने जीवन का ध्येय ज्यादा बनाया है। तो वो कहते हैं ना कि वो
दुआ में उठने वाले दो हाथों से ज्यादा अच्छा है कि सेवा में उठने वाले दो हाथ। तो आपने सेवा में उठने वाले दो हाथों वाले मेथड को अपनाया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या करना चाहिए? और क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि घर बैठ के डलियां भी बजाते हैं, आरती भी करते हैं, मैं मना नहीं करता इस बारे में, पूजा भाव होना चाहिए, हमारी चेतना जागृत रहनी चाहिए उस परमपिता परमात्मा के प्रति, परंतु क्या ज्यादा आवश्यक ये नहीं है कि हम सेवा के कार्यों में लगे? सुशील जी, मेरे विचार में या जो सेवा कार्य है, आपने कहा पूजा करना, भक्ति करना, सेवा कार्य एक भक्ति का स्वरूप ही है, सेवा कार्य भी एक भक्ति है, वो भी एक पूजा ही है। मेरे विचार से एक पूजा मंदिर में बैठकर के पूजा करनी है, और भगवान पूजा का मतलब अगर आप सेवा कर रहे हो तो भगवान के लिए तो वो भी भक्ति है, भगवान की वो भी पूजा ही, सेवा करना भी भगवान की ही पूजा है, जिसको मैं कहना चाहता हूँ। आप उसमें अगर ये कहना, आप मुझे ये कहे कि वो मतलब ये पूजा करना, मंदिर में बैठ के पूजा करना, ताली बजाना, आरती करना, वो पूजा है, तो जैसा कि आपने अपने आप ही बोला कि वो भी जरूरी है या वो भी वो ठीक है, उसको ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब भक्ति का जो स्वरूप है उसको हम सेवा कार्य करके ही भक्ति के स्वरूप को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपने सेंट जॉन अम्बुलेंस ब्रिगेड के बताया, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में बताया, तो उसके बारे में सेंट जॉन अम्बुलेंस ब्रिगेड का जैसे आपने बताया, ये इंडियन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स की ही एक सिस्टम कंसर्न है, जिसका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज दिल्ली गवर्नमेंट का जो होता है, ही इज कमिश्नर ऑफ दिस सेंट जॉन अम्बुलेंस ब्रिगेड, और इसके में ऑनरेरी असिस्टेंट कमिश्नर की तरीके से मैं इसमें भूमिका निभा रहा हूँ। उसके अंदर इसका ब्लड डोनेशन ही एक अकेला कार्य नहीं है, इसमें डिफरेंट हम हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाते हैं इसके अंदर, और इसका जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग का है जो मेन, और एम्बुलेंस सर्विसेज, ये दो इसके मेन कार्य हैं। रक्तदान को एक सर्वोत्तम महादान की भी संज्ञा दी हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति में दी हुई है इसकी। मैं खुद पहली बार रक्तदान जब मैं करीब 91 के अंदर, आप समझो कि 23-24 साल की उम्र का होऊंगा, तब मैंने पहली बार जिंदगी में रक्तदान किया था, और आज सर मैं करीब 35-36 बार रक्तदान कर चुका हूं अपनी जिंदगी के अंदर। ये अभी कोरोना काल के अंदर, लॉकडाउन के अंदर भी कुछ थैले से, क्योंकि ब्लड डोनेशन शिविर लगना बिल्कुल बंद हो गया था, एक दिन रेड क्रॉस ब्लड बैंक से टेलीफोन आया मेरे फादर के पास, ही इज एडिशनल कमिश्नर इन सेंट जॉन अम्बुलेंस ब्रिगेड, तो उनके पास एक टेलीफोन आया कि सेंट जॉन अम्बुलेंस ब्रिगेड के बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। सेंट जॉन अम्बुलेंस ब्रिगेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वयं सेवक के द्वारा ही चलाई जाती है, सारे स्वयं सेवी होते हैं, विदाउट एनी पेड एनी कंसिडरेशन, कोई सैलरी नहीं, कोई अलाउंसेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनका टेलीफोन आया कि ब्लड की बड़ी शॉर्टेज हो रही है, जो कि ब्लड बैंक डेली कम से कम 100 यूनिट इकट्ठा किया करता था, उन दिनों के अंदर मुश्किल से 2-4 यूनिट डेली इकट्ठी हो पा रही थी, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप लगना बंद हो गए थे। तो हाँ, तो वहाँ के डायरेक्टर ब्लड बैंक का जब टेलीफोन आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ सेंट जॉन अम्बुलेंस ब्रिगेड कोई कार्य दिल्ली के अंदर करे। तो उसके बाद कोरोना काल में सब लोगों को बड़ा डर होता था कि हम घर से बाहर निकल करके ब्लड डोनेशन कैसे करें, तो हम लोगों को प्रेरित किया, लोगों को समझाया जितनी भी सावधानियां बरतनी चाहिए कोरोना के टाइम के अंदर, वो भी हमने बरती। और मुझे बताते हुए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ा हर्ष होता है कि करीब एक डेढ़ महीने के अंदर कम से कम सेंट जॉन अम्बुलेंस ब्रिगेड की तरफ से, या जिसमें हमारे हम सब सहयोग मिलकर के हमने जो ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए, कम से कम 1000 यूनिट्स हमने एक डेढ़ रेड क्रॉस ब्लड बैंक के अंदर हमने लोगों को रक्तदान करा करके उनको अरेंज कराया उसके अंदर। तो ये क्योंकि क्या है कि ब्लड डोनेशन ना इकट्ठा होने की वजह से पूरी दिल्ली में ब्लड की जबरदस्त, आपने न्यूज पेपर में भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि ब्लड की कितनी जबरदस्त शॉर्टेज हो रही थी दिल्ली के अंदर, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। हाँ, क्योंकि जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, उनको तो रेगुलर ब्लड चाहिए ही चाहिए। और वो यू वोंट बिलीव, कई बार किसी जब डिफरेंट सोशल सर्कल में जब पता लगा कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करूं,
मेरे पास पता नहीं दिल्ली में जो बिल्कुल अन्य लोगों कितने लोगों के टेलीफोन आया कि हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट है, हमारे को ब्लड नहीं मिल पा रहा, तो किसी तरीके से ब्लड की अरेंजमेंट उनको कराया। अच्छा, ऐसे टाइम के अंदर कोई भी ब्लड डोनर, चाहे वो रिलेटिव हो या कोई भी हो, कोई भी रिप्लेसमेंट देने के लिए भी तैयार नहीं होता, बड़ी आसानी से तैयार नहीं होता। तो किसी तरीके से उस ब्लड की उनका अरेंजमेंट भी करा करके, उनकी पूर्ति करा करके, आप समझो कि किसी थैलेसीमिया पेशेंट को अगर ब्लड की जरूरत है तो जरूरत है, उसी टाइम जरूरत है, तो उन सब का अगर कार्य करते करते अब सारा काम निकाला इसके ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो मुझे एक बात याद आती है कि मैंने सुना था कहीं, और आपने जैसे पूजा का बताया था जी, तो मैंने कहीं सुना था कि जयपुर के शिल्पकार की बनाई हुई मूर्त को हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके उनका पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, पाद सेवा करते हैं। अगर भगवान की बनाई हुई इन सजीव मूर्तों को जो इंसानी रूप में होती हैं, इनकी सेवा कर लें, तो मैं समझता हूँ वो भी ईश्वर पूजा से ईश्वरीय पूजा ही है। क्योंकि जब सजीव मूर्तियां जो हैं वो जितना आशीर्वाद प्रेषित कर सकती हैं, उनके भीतर से जो जज्बात आप तक पहुंच सकते हैं, वो जो परमात्मा के दरबार में अपनी गुहार लगा सकती है, वो निश्चित तौर पर मूर्तियां नहीं लगा सकती। तो हमारा भाव यही रहना चाहिए कि हम सजीव मूर्तियों का ज़्यादा ख्याल रखें, किसी का मन ना दुखाएं, कोई गलती करे उसे क्षमा मांग लें, कोई हमारे से हम किसी से नाराज हो जाए तो उसे क्षमा कर दें। जीवन के जितने भी जो सकारात्मक पहलू हैं, विधायक तत्व हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। और सेवा के बारे में मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, आप सेवा किए जा रहे हैं, ये जो आज तक आपको अहंकार छू कर नहीं गया, उसका सबसे बड़ा कारण है सेवा। सेवा जो है वो अहंकार का नाश करती है। हमारे सिख धर्म में भी इसीलिए सेवा का इतना महत्व बताया गया है। सेवा है सरगांदी पौड़ी, स्वर्ग की पौड़ी बताया उन्होंने, कर सेवा लखबार। तो इसीलिए वो वहां पर अहंकार का नाश करने के लिए जूते की सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, आपने देखा होगा सिख धर्म में। तो ये सेवा आप निरंतर कर रहे हैं, करते रहिए। कभी आप लायंस क्लब के माध्यम से करते हैं, लायंस क्लब में आप रीजन चेयरपर्सन भी रह चुके हो, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हो, और लायंस क्लब पूरे भारत में आज कार्य कर रहा है विभिन्न विभिन्न क्लबों के माध्यम से। मैं समझता हूँ कई हजार क्लब हैं जो लायंस क्लब के अंतर्गत आते हैं, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे हमारे देश के लोग जो हैं वो लायन बने हुए हैं, कार्य करते हैं, लायनिज्म को का आनंद लेते हैं और सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा, बहुत पहले भी मैंने एक बार किसी से पूछा था कि ये जो लायनिज्म है, ये जो लायनवाद है, ये जो लायंस क्लब है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में कितना के लिए कितना उपयुक्त है, ये इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को कितना आत्मसात किया है। आज भारत जो है वो विश्व में पूरी जनसंख्या का 20% तो भारत में ही है, तो ऐसे में लायंस क्लब का भारत में कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में जो लायंस क्लब है उसमें भारतीय संस्कृति का कितना समावेश हो पाया है, वो अभी भी पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार चल रहा है, जैसे लिकर पिलाना, पार्टी करना, डांस करना, एंजॉय करना, या उसने अब भारतीयता को अपनाते हुए उसको भी एक सेवा के विराट अभियान के रूप में ले लिया, क्या कहेंगे? सुशील जी, जैसा कि आपने बताया कि चाहे वो लॉयंस क्लब हो, रोटरी क्लब हो, मैं लॉयंस से भी एसोसिएटेड हूँ, और आजकल पिछले कुछ वर्षों से 5-7 सालों से मैं रोटरी क्लब से भी एसोसिएटेड हूँ। लॉयंस क्लब में जैसा कि आपने बताया कि रीजन चेयरमैन मैं था, और रोटरी क्लब दिल्ली राजधानी का मैं अभी मेंबर हूं, और पिछले 5-7 साल से उसमें भी इन्वॉल्व हूं। आपने कहा कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य का थोड़ा सा कंपैरिजन आप करना चाह रहे हो, इस टाइप की जो संस्था है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों रोटरी क्लब हो गया या लॉयंस क्लब हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ में इसमें दो चीजों को सेवा कार्य तो है ही,
इसमें फेलोशिप के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, जिसमें ये एक थोड़ी सी लोगों के मन में धारणा भी बन गई है कि शायद इसमें हर मीटिंग है तो उसमें लिकर होना भी जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि मैं 91 में हमने पहली बार जब मैंने लॉयंस क्लब को ज्वाइन किया था, आई वाज चार्टर मेंबर ऑफ दैट क्लब। उस क्लब के हमारा सबसे पहला हमने सिद्धांत ये रखा था कि क्लब के किसी भी कार्यक्रम के अंदर लिकर नहीं होगी, और अभी भी हमारे लॉयंस के डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे क्लब ऐसे हैं जिसमें लिकर सर्व नहीं होती। इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लिकर इज बैड, हर एक चीज की अतिशयोक्ति खराब होती है, तो ऐसा कोई धारणा वाली बात लोगों के मन में जो बनी हुई है कि सिर्फ उसमें यही होता है कि मीटिंग में होती है। आप उसमें एक सिद्धांत के ऊपर थोड़ा सा ये काम करते हैं इसके अंदर कि अगर फेलोशिप होगी, आप मिलोगे विद फैमिली, मिलोगे आप फेलोशिप मिलोगे और उसमें आकर बैठ करके डिस्कस करोगे, उसमें क्या मीटिंग्स के अंदर क्या डिस्कस होता है, सारे सेवा के कार्य ही डिस्कस होते हैं मीटिंग के अंदर। जब मिलोगे, मिलने का माध्यम बनाओगे, रेगुलरली हर महीने का एक माध्यम बनाओगे मिलने का, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपके सेवा के कार्य डिस्कस करोगे तो कोई ना कोई सेवा के कार्य ही होंगे। और जितने भी पूरे वर्ल्ड में देखो, भारतीय संस्कृति के साथ से उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी भारतीय जो भी नागरिक है, जितने भी क्लब्स हैं आप देखोगे उनकी भारतीयता के हिसाब से रखते हुए सारे कार्य वो कर रहे हैं इसके अंदर, समाज के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि मेरी नजर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर सिर्फ 100% आप ये कहना चाहोगे कि अगर पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हुए सिर्फ लिकर का ही बोलबाला होता है, तो ऐसा नहीं है। सो फार एज मैं, हाँ ऐसा नहीं है, मेरे विचार में ऐसा नहीं है। आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में हो सकता है कि कभी कभी अतिशयोक्ति किसी ओकेजन में हो गई हो, तो लेकिन उसको धारणा बनाना, पूरी उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में धारणा बना करके उसको आगे चलना, मेरे ख्याल से वो उपयुक्त नहीं है, उतना ज्यादा सोचना उसके बारे में। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में लायंस क्लब सेवा का के पर्याय के रूप में जाना जाता है, और सेवा और आपसी भाईचारा, समरसता, मित्रता के माध्यम से लोगों के अंदर ये प्रेरणा दी जाती है कि वो सेवा कार्य में रेगुलर बेसिस पर निरंतरता के साथ, जैसे महीने दर महीने, ऐसा नहीं है कि एक साल में एक प्रोजेक्ट कर दिया, एक कार्य कर दिया सेवा का, उसके बाद दो साल तक कोई काम नहीं किया। तो लायंस क्लब के माध्यम से जब वो हर महीने मिलते हैं तो निश्चित तौर पर उनके भीतर एक चेतना, एक जागृति बनी रहती है कि हमें अगले हर महीने कुछ ना कुछ करना है, बात चाहे गौ सेवा की हो, बात चाहे पौधारोपण की हो, बात चाहे शिक्षा की हो, महिलाओं लड़कियों को पैड वितरण की हो, जितने भी कार्य आज लायंस क्लब कर रहा है, जैसे मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कोरोना काल में, और ब्लड डोनेशन तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लायंस क्लब को जब शुरुआत हुई थी तो उसको जाना ही गया था ब्लड डोनेशन से। ब्लड डोनेशन को अगर किसी क्लब ने सबसे ज्यादा पॉपुलर किया है तो वो ये रोटरी और लायंस क्लब ने किया है। इस बात को कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति अनुभव ना हो, नहीं होती। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी सारी बातें रखी हैं। समय हमारा बीतता जा रहा है, उस समय में मेरे द्वारा खराब कर दिया गया गलती से, उसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपको सबसे अधिक प्रेरणा कहाँ से मिली, आपके मित्रों से, आपके माता पिता से? मैंने आपके जीवन पर प्रभाव देखे हैं और मैं समझता हूँ आपका बहुत गहरा लगाव, मैंने आपके माता पिता के साथ आपको देखा, आपकी माता जी के साथ, फिर उस अभी आपके पिताजी के प्रति भी आप बहुत ही उनके एक आज्ञाकारी पुत्र हैं, और आपके पिताजी भी आपके प्रति, मैं समझता हूँ, आपको अपने पुत्र के रूप में पाकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो माता पिता से प्रेरणा सबसे ज्यादा मिली, या कोई गुरु रहे आपके मेंटर, या फिर आप मित्रों से आप प्रेरणा लेते, क्या कहें? सुशील जी, जैसे आपने बताया कि सबसे अधिक अगर प्रेरणा मुझे जिंदगी में मिली तो वो मेरे माता पिता हैं, उन्हीं से मिली। और बचपन से ही मैं देखता आ रहा था अपने दादाजी को भी जैसे कि 40s के अंदर
40s के अंदर जैसे पापा ने बताया और पिक्चर्स हमारे दी, और जब थोड़ा सा मुझे समझ आई, 60s में मेरा बर्थ हुआ उसका मुझे थोड़ी समझ आई, तो मैंने देखा अपने दादाजी को कार्य करते हुए उस उन दिनों के अंदर 70s के अंदर दिल्ली में टीवी की बीमारी का बड़ा भयानक प्रकोप था उन दिनों के अंदर। तो मैंने देखा कि अपने दादाजी को उस टाइम ट्यूबरक्लोसिस का, मैंने अपने दादाजी को देखा जो कि आयुर्वेदिक और उस काइंड की मेडिसिन में उनकी उनको उनको सक्षम थे उनके उस, तो वो खुद अपना पूरी दिल्ली की महारत हासिल थी उनको, तो वो खुद मतलब वो टीबी की जो दवाइयां हैं उसको खुद बनाते थे और बना करके टीबी के पेशेंट को घर घर जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो वो प्रेरणा उनको देखते हुए फादर के अंदर आई, और फादर को देखते हुए वो प्रेरणा उनसे, अगर मैं प्रेरणा का कोई स्वरूप समझूं तो अपने फादर को और मदर को। और मदर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आती थी, अगर मैं मम्मी के सामने जाता था पता नहीं कहाँ से वो परेशानी, मुझे ऐसा महसूस होता था, आत्मिक बल मिलता था मेरे को अपने अंदर, या ऐसी भावना आती थी कि मेरे को कितनी ऊर्जा आ गई मेरे शरीर के अंदर, या कितना मेरे के अंदर बल आ गया अपनी मम्मी से मिलकर के सामने देखते ही, मेरे मन में इतना बल आ जाता था कि और सारी लगता था कि समस्या मेरी खत्म ही हो गई है। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि जब भी कभी उनसे मिलता था मैं, या जब भी कभी उनके सामने कोई समस्या के मन में होती थी या उनके सामने आता था मैं, तो उनके सामने आते ही मेरी समस्या कहाँ छुमंतर होती थी मुझे नहीं मालूम। तो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर मैं कहूँगा तो मेरे माता पिता का मेरी जिंदगी में रहा है हमेशा, और शायद अगर मतलब मेरी माता जी का स्वर्गवास 2013 के अंदर हो गया था, तो जैसे मतलब कॉन्सिडेंस कहूँ या क्या कहूँ, मतलब समाओ मतलब 2013 के अंदर उनकी माता जी का स्वर्गवास होने के बाद सुशील जी अगले 6 महीने के अंदर मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां आई अगले 6 महीने के अंदर, जिसको हट उसके उसको खत्म करते 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 मुझे कम से कम 2-3 साल लग गए, और 2-3 साल के बाद मैं उससे उबर पाया। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि सारी जितनी मेरी जिंदगी भर की जितनी परेशानियां थी ना, मेरी माता जी ने अपने कंधे के ऊपर ले रखा था, और उनके जाने के बाद इमीडिएटली वो जैसे कि एकदम थोड़ा सा टाइम गैप आया तो मेरे ऊपर एक इकट्ठी होकर की आई। तो हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि उनका मतलब प्रेरणा जो है और उनका प्रभाव सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी के अंदर। जी जी, नहीं, निश्चित तौर पर मैंने उनको करीब से देखा है, उनकी स्नेह से भरी हुई आंखें देखी है, स्नेह से भरा हुआ स्पर्श देखा है मैंने। देखा है कि वो एक मित्र भी थी, एक मेंटर भी थी, गुरु भी थी, शक्ति का अपार और अकूत स्तोत्र थी, स्रोत थी, और इन सब के बीच में बहुत ही हसमुख और जिंदा दिल इंसान थी आपकी माता जी। और आपके पिताजी को मैंने सदा एक सौम्य व्यक्तित्व की तरह से, जो बहुत ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ सदा जीवन में हमें मिले, मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही दोनों आपके मम्मी पापा से प्रभावित हुआ हूँ। और निश्चित तौर पर ऐसे अगर मम्मी पापा घर में हो तो प्रेरणा के लिए कहीं और की आवश्यकता नहीं पड़ती, और आपके जीवन में उन्होंने मेंटर का भी की भूमिका भी अदा की, और एक अच्छे माता पिता की भी भूमिका अदा की, आपको मार्गदर्शन दिया, इसीलिए आप जिंदगी में बहुत बड़े बड़े निर्णय ले पाए, बहुत बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा संपादित हुए, और आगे भी भविष्य में मैं समझता हूँ ऐसे कार्य आपके द्वारा संपादित होते रहेंगे। लोगों को आपकी मित्रता पर, मैं अभी जो कार्यक्रम के दौरान जो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लगातार, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके भी, जो बहुत सारे मित्र हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को सीधा लाइव देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे मित्र को पाकर हम धन्य हैं, संदीप गोयल जी जैसे। तो निश्चित तौर पर ये भाव किसी मित्र के मन में जब ही जगता है, जब उसने, हाँ जी कहिए। तो सभी ऐसा कि आपने जैसे मैसेज सभी मित्रों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, ये मित्रों का प्यार ही है, ये इन सभी मित्रों का प्यार ही है, उनका स्नेह ही है जिसकी वजह से जो भी कार्य मैं कर पा रहा हूं।
ये इनके प्यार और स्नेह की वजह से ही कर पा रहा हूँ। बिल्कुल 100% हमारे मित्र हमारे जीवन की अनमोल पूंजी है। आपको अपने बड़ों से जो संस्कारों की अनमोल पूंजी है वो धरोहर के रूप में आपने सहेज के रखी है, संजो के रखी है। आप अपनी अगली पीढ़ी को जितनी भी संस्कार प्रेषित कर सकते हैं प्रेषित करें, उनको दें। और सबसे बड़ी पूंजी मैं समझता हूँ विरासत में देने वाली, वो प्रॉपर्टी नहीं है वसीयत में, वो फिक्स डिपॉजिट्स नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो है हमारे संस्कार। हम संस्कारों की अनमोल पूंजी अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो उनका उनके भीतर हैप्पीनेस का जो कंटेंट है, जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे बड़ी हासिल है जीवन का, वो हासिल उनको जरूर मिलेगा। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी भी दी, विस्तार में बताया अपनी कार्यप्रणाली को, अपनी कार्यशैली को, और मैं मतलब जितना शुक्रिया अदा करूँ आपका कम है। बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा लेंगे। आज समाज सेवा में जितने भी लोग संलग्न हैं, जो कहीं ना कहीं कई बार सोचते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, उनको भी एक मार्ग मिलेगा कि किस तरह से जीवन को सेवा कार्य में लगाया जा सकता है। और अमरत्व जो एक जीवन का की विधा है, अमरत्व, वो अमृत ऐसा नहीं होता कि वो कोई अमृत पीने से अमृत होता है। अमृत होता है हमारे कार्यों से, हमारी सेवा से, हमारे व्यवहार से, हमारे चिंतन से। तो हम इस अमृतत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों सभी मिलकर, और एक दूसरे का साथ बनाए रखें, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर उन्नति और प्रगति की पथ पर प्रशस्त रहें, अग्रसर रहें। यही शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पवन श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूँ वो आ जाएं, हमारी जो बात है, जो अतरंग बातें हमने आज करनी थी संदीप जी से वो सुनी, आपने उनके विचार सुने। निश्चित तौर पर आपने भी बहुत बातें सुनी होगी पवन जी, आप भी खुद एक शानदार व्यक्तित्व हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं। हमारे भाई संदीप गोयल जी के बारे में बता दूं कि संगीत के से बहुत गहरा लगाव है संदीप गोयल जी का, और जितने भी लोग अच्छे दिल के होते हैं उन सबका संगीत से लगाव तो होता ही होता है। ये बात जग जाहिर है। तो नहीं सुशील जी, आपका भी संगीत से बहुत लगाव है, आपका भी संगीत से बहुत लगाव है। लोगों का संगीत से लगाव तो सुशील जी कारण भी हो गया है। और वैसे के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी बातें तो मेरी जिंदगी में जितने भी कार्यों के पड़ रहे ना संदीप जी के लिए, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो सिर्फ पानी से नहाता है वो बस लिबास बदलता है, लेकिन जो मेहनत के पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।